सर क्या कहेंगे आज आप जो तो जिनसी स्टेशन में आए हुए हैं, क्या कारण है इसका? कारण ये है अल्हम्दुलिल्लाह मैं रॉयल फाउंडेशन से अनवर पठान हूँ। जैसा कि हम यहाँ पर जिनसी पुलिस स्टेशन में इसलिए आए कि एक रामगिरी महाराज है, इन्होंने हमारे नबी की शान में बहुत बड़ी गुस्तागी की है, तो हमारे जितने भी मुस्लिम भाई है हमारे सबके दिल पे एक बहुत बड़ी चोट पहुँची है। तो इसलिए हमारा यहाँ पर हम जिनसी पुलिस स्टेशन पर आए, साहब को अपने अभी हमारा एक निवेदन दिए उनको क्या उस हरामी को जल्द से जल्द अरेस्ट करे और उसको पकड़ा जाए। अभी आपने जो निवेदन दिया है तो अभी साहब से क्या आपको आश्वासन मिला, क्या बात करें? अभी साहब ने तो बोले हमारे को कि अभी साहब बंदोबस्त में बोले, अभी तो उनके आए बात उनकी कार्रवाई करेंगे बोले हम, और कार्रवाई चालू है बोले उनकी। बड़े साहब नहीं थे अभी बड़े साहब नहीं थे, पीआई साहब नहीं थे, माने सर को हमने दिए अभी निवेदन। कौन सा ग्रुप है ये नाम बताइए? हमारा ग्रुप रॉयल फाउंडेशन से हम जिनसी पुलिस स्टेशन में आए हुए हैं, और आपने जो आज निवेदन दिया है तो साहब ने और आपकी क्या बातचीत हुई? वैजापुर के महाराज है जिन्होंने हमारे हुजूर के बारे में गुस्तागी की है, तो ये बच्चे उसी लिए जमे हुए पूरे नौजवान तबका ही है, और यहाँ पर नाराजगी जताने के लिए आए हैं कि गुस्ताख को जो गुस्तागी की है इन्होंने महाराज ने, तो इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, और पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट है हमारी कि इसको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। सर आए दिन जो है तो नबी की शान में गुस्ताखी हो रही है, तो आपको लगता है विधानसभा या पार्लियामेंट में इसके बारे में कोई बिल पास होना चाहिए? इसके बारे में एक कड़ा से कड़ा कानून बनाना चाहिए सरकार को। पहली बात तो किसी भी रिलीजन के बारे में तुम ऐसा नहीं बोल सकते, कड़े से कड़ी इसके अंदर सज़ा दी जाए, हमारी ये मांग है। इससे पहले नुपुर शर्मा है और दो तीन लोग हैं जिसने जो है तो नबी की शान में गुस्ताखी करे थे, और डॉक्टर प्रकाश अम्बेडकर जो वंचित बहुजन अगाड़ी के जो है तो जिम्मेदार है, वो चाह रहे कि एक ऐसा बिल लाया जाए कि जो नबी की शान में गुस्ताखी अगर कोई करता है तो उनको जो है तो कड़ी कड़ी कार्रवाई, क्या कहेंगे? जैसा आप सही बोल रहे हैं वही होना चाहिए, हमारी वही मांग है कि आए दिन कोई भी मुँह उठा चला आता है कुछ भी बोल देता है, इनको मालूम होना और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा होना। उसके अलावा ये है कि नबी की शान में गुस्ताखी जो करते हैं तो एक तो इनको इस्लाम की स्टडी नहीं रहती, या फिर कहीं ना कहीं जो तो राजकारण के कुछ भी नहीं पता रहता है इनको, जो आया मुँह में बोल देते हैं, किसी के कुछ सोचते नहीं है कि किसी को क्या ठेस पहुँची है कुछ नहीं, तो इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी। हम ये मांग करने आए हुए जितने लोग आज आए हुए हैं यहाँ पर, तो जो जो आए हुए इनके नाम बताइए जो जिम्मेदार है। हमारे अनवर भाई है, शहबाज भाई है, नासिर भाई है, आदिल भाई है, और बहुत सारे बच्चे पूरे अतराफ के पूरे औरंगाबाद के बच्चे जमे हुए इसके अंदर, रॉयल फाउंडेशन। कहेंगे आज आपने निवेदन दिया? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाई हम लोग इसलिए आज जिनसी पुलिस स्टेशन में जमा हुए हैं कि जो क्रूर घटना, इतने बड़े महाराज हैं जो जिनको इस्लाम के बारे में शायद नॉलेज ना हो, लेकिन उन्होंने ऐसी गिरीवी बात यह हो कि सारे जो हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके सदक़े तुफ़ैल में सारी कायनात बनी है, उनकी शान में उन्होंने गुस्ताखी की है, और हमारा ये पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये हमारा पुलिस प्रशासन से निवेदन है, और इसलिए हम लोग रॉयल फाउंडेशन ग्रुप की तरफ से जमा हुए हैं, निवेदन हम पुलिस स्टेशन में देने के लिए आए हैं। सर क्या कहेंगे कि कुछ लोग जो है तो धर्म की या फिर इस्लाम की स्टडी नहीं होती, या उसको राजकारण एक मुद्दा बना के जो है तो पेश करते, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि विधानसभा के इलेक्शन करीब है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल लगता है मुझे कि ये जो है तो सियासी मामला है, और इसे जो है ना ये हिंदू मुस्लिम के दायरे में मतलब आपसी में लड़ाना चाहते, तो इसलिए जो है काम चल रहा है, ये कोई इशू नहीं है, ये सिर्फ बलदबरी इशू बना रहे हैं, ये चीज़ को एक टॉपिक दे रहे हैं, और ये जो है तो मुद्दा जो है ये जो पंडित है तो इन्हें कोई नॉलेज नहीं है, इन्हें उकसाया गया है, और ये जो है तो ये काम कर रहे हैं ये गलत है, इससे जो है तो नफसा नफसी का आलम पैदा होगा और आपसी दुश्मनियाँ होंगी और माहौल ख़राब होगा, इसलिए हम यहाँ पर आए। सर आपको आप शासन प्रशासन और अजीत पवार साहब शिंदे साहब से क्या आप रिक्वेस्ट करेंगे? शिंदे साहब से उनसे हम एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई ये जो पंडित है इन पे अच्छे से अच्छी कार्रवाई की जाए, इन्हें जल्द से जल्द पुलिस अधिकारी के हवाले किए जाए, और इसके अलावा ऐसा कोई कानून बनाया जाए चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी किसी के भी खिलाफ़ ऐसे किसी के भी महाराज जो ऐसे कोई भी महाराज आकर किसी के भी खिलाफ़ ऐसा कुछ ना बोले चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, क्या किसी का दिल ना दुखे। आपका नाम बताइए? शहबाज खान। आज आप जिस भी स्टेशन में निवेदन देने के वास्ते आए हुए? जी ये जो महाराज है, पहली बात तो इनको नॉलेज नहीं है इस्लाम के बारे में और हमारे पैगंबर के बारे में, जी इनको नॉलेज नहीं होते हुए उन्होंने ये जो खता और जो ये लफ्ज़ यूज़ करे ये गलत था,
पहले तो इनको कोई चीज़ का नॉलेज दीजिए और फिर बात करिए। इनको नॉलेज नहीं है और इसके अंदर इन्वॉल्व है पॉलिटिकल लोग ही इन्वॉल्व रहेंगे, क्योंकि मुद्दा चाहिए, हिंदू मुस्लिम मुद्दा इनको चाहिए हमेशा इलेक्शन लड़ने के लिए। क्या कभी हिंदू के तरफ से बोलेंगे तो कभी मुसलमान के तरफ से बोलेंगे, तो ये आपस में लड़ाना चाहते, ये तवा गरम करेंगे, कभी रोटी इधर सेकेंगे और कभी उधर सेकेंगे। तो ये हिंदू मुस्लिम को लड़ा के ही इलेक्शन लड़ेंगे, इनके पास मुद्दा कुछ बचा नहीं है। विकास तो कुछ करते नहीं है, हाँ रोज़गार तो कुछ देते नहीं है। क्या नौजवान बेरोज़गार घूम रहे, ये रोज़गार नहीं देंगे, मगर इनको मुद्दा यही चाहिए हिंदू और मुसलमान। आज मुसलमान के खिलाफ बोलेंगे तो हिंदू को अच्छा लगेगा और हिंदू के खिलाफ बोलेंगे तो मुसलमान को अच्छा लगेगा, ये मुद्दा ये उठा के ही इलेक्शन लड़ेंगे। सर महाराष्ट्र के जो सीएम है एकनाथ शिंदे साहब जो है, तो कल वो महाराष्ट्र के साथ बैठे हुए दिखे स्टेज के ऊपर, जी क्या कहेंगे उस पर? तो मैं कुछ कह नहीं सकता, वो सीएम है महाराष्ट्र के, उन्हें कुछ बात करने का, उन्होंने बात करने के लिए गए होंगे, मैं वो चीज़ नहीं बोलूँगा। मगर हम प्रशासन से एक ही अपील रहेंगी कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और इसके बाद कोई हमारे नबी के शान में गुस्ताखी ना करे। ऐसी सज़ा दीजिए जैसा भी कोई गुनाह करता है, कोई किसी का खून करता है तो आप उसको कारावास में डालते 14 साल 7 साल, तो ऐसे एक कानून बनाया जाए कि उनको सज़ा मिले, तो आइंदा वो कोई किसी के बारे में नहीं बोलेगा। आज तक सुने कोई मौलवी ने बोला है कोई महाराज के बारे में, कोई संत के बारे में बोला है? नहीं बोला है ना। अगर हम बोले तो गलत, उन्होंने बोले तो ठीक है, तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। सर आपका नाम? सैयद तालिब।